जय हिंद दोस्तों, UDCRI में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे अभी ECN नेदरलैंड्स T20I ट्राई सीरीज का जो अगला मैच है जो कि नेदरलैंड्स और आयरलैंड के बीच में खेला जाएगा। ये ट्राई सीरीज का 6th मैच है। वेन्यू वही होगा दोस्तों, द हॉग का ग्राउंड होगा। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट मैच है दोनों के लिए। बाकी यहाँ से दोस्तों इस मैच में कौन से प्लेयर्स को आपको अपनी टीम में रखना है, कौन से वो प्राइम पिक्स होंगे दोस्तों, इस वीडियो में वही आपको बताया जाएगा। एंड तक आपको पूरा वीडियो देखना है दोस्तों, ताकि कुछ भी अपडेट्स हम इस वीडियो में प्रोवाइड करें ना आप तक यहाँ से पहुँच जाए और आप अपडेटेड हो और आप वन साइडेड जीतो दोस्तों। इसके लिए आपको पूरा वीडियो फर्स्ट से एंड तक देखना पड़ेगा। बाकी मैच के टाइमिंग्स की बात करें, कल दोपहर 2:30 बजे ये मैच होगा। दोपहर 2:30 बजे से काफ़ी एक इंपॉर्टेंट मैच है दोस्तों दोनों टीमों के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अभी इस वीडियो में हम आपको प्रोवाइड कर देंगे प्राइम प्लेयर्स की लिस्ट। बाकी टीम देखने से पहले आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, ये देखिए सब्सक्राइब का बटन है, ये देखिए जहाँ मैं सर्कल बना रहा हूँ ना, ये सब्सक्राइब वाला बटन का यहाँ है। आपको क्या करना है, आपको ना हमारे चैनल से जुड़ जाना है दोस्तों। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे ये फ़ायदा डायरेक्टली आपको हो जाएगा कि जब भी हम वीडियोज़ अपलोड करेंगे ना, नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेगा दोस्तों। देखिए सब्सक्राइब वाला बटन है, तो सब्सक्राइब वाले बटन को प्रेस करना है, सब्सक्राइब हो जाएगा। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर ना आपको क्या करना है, सब्सक्राइब वाले बटन को प्रेस करने के साथ साथ दोस्तों आपको यहाँ से नोटिफिकेशन का दोस्तों आपको क्या करना है, ऑल करना है दोस्तों। सब्सक्राइब वाले बटन को प्रेस करना है और नोटिफिकेशन को दोस्तों आपको ऑल करना है, ताकि जब भी हम वीडियोज़ अपलोड करें दोस्तों, नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे और आप अपडेटेड रहो दोस्तों। हमेशा क्या रहो, अपडेटेड रहो। वो कोई सा भी दोस्तों मैच का वीडियो हो दोस्तों, अपडेटेड रहो और आप वन साइडेड जीतो। हम चाहते हैं हमारे सब्सक्राइबर्स ना वन साइडेड हर मैच में जीते। उसके लिए दोस्तों आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन कॉल कर देना है। उसके अलावा दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना पड़ेगा दोस्तों। आप कैसे जुड़ सकते हो, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखिए, यहाँ पर आपको ओपन करना है और सबसे ऊपर दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा दोस्तों। ये देखिए ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो इस लिंक पर आपको प्रेस करना है दोस्तों। ये लिंक आपको डायरेक्टली कहाँ लेके आएगा, ये टेलीग्राम का लिंक, इसी लिंक पर प्रेस करना है और ये लिंक आपको डायरेक्टली लेके आएगा यहाँ पर दोस्तों, हमारा जो प्राइम ऑफिशियल चैनल है दोस्तों इस पर लेके आएगा। यहाँ पर दोस्तों देखिए सबसे नीचे जहाँ पर आपको ब्रॉडकास्ट का बटन दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, ज्वाइन का बटन दिखेगा। आप हमारे साथ जुड़ जाइए दोस्तों। हमारे साथ जुड़ने का ये फ़ायदा होगा कि हम जब भी दोस्तों यहाँ से कुछ भी टेलीग्राम पर आपके लिए प्रोवाइड करेंगे, अपडेट करेंगे दोस्तों, दोस्तों अब सबसे पहले उस चीज़ आपको सबसे पहले मिलेगा। उसके अलावा हमारी प्राइम टीम भी आपको इसी चैनल पर दिख जाएगी दोस्तों। तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर दीजिए दोस्तों। अभी प्राइम टीम के बारे में बात करेंगे तो क्रिएट टीम पर चलेंगे दोस्तों। अगर पिच की बात करें दोस्तों, अभी तक जितने भी मैचेस हुए हैं ना, हमें एक बैटिंग फ्रेंडली पिचेस ही देखने को मिला है दोस्तों, जहाँ पर पेसर अच्छा करते हैं दोस्तों। एवरेज जो स्कोर है वो 158 का आपको देखने को मिलेगा। कितना देखेगा, 158 का। तो यहाँ से द हॉग का ग्राउंड है। अभी चलिए प्राइम टीम बनाते हैं। तो यहाँ पर ना ये देखिए, जैसा मैंने बोला 6th मैच है, ये नेदरलैंड का मैच है, ये 6th मैच है। तो नेदरलैंड्स का पिछला मैच ये देखिए, नेदरलैंड्स की टीम स्कॉटलैंड के साथ 87 पर लास्ट मैच में ऑल आउट हो गई थी दोस्तों ये टीम। इस मैच में इन्होंने 149 स्कोर किया था। टेबल पर शायद आयरलैंड सबसे ऊपर है, हाँ यहाँ से नेदरलैंड सबसे नीचे। अगर ये मैच जीती ये तो ऊपर चली जाएगी दोस्तों ये टीम। तो यहाँ से नेदरलैंड की तरफ से दोस्तों ये वाला मैच देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ना आपको लेविट यहाँ से मैक्स वुड ओपनिंग करते देखेंगे। विक्रमजीत ने कुछ खास नहीं किया, फिन हैंड ने इनको विकेट ले लिया था। बेस डिलेडी ने 32 स्कोर किया था, एडवर्ड्स ने 12, तिरामंदारू ने यहाँ से 0, वैन ब्रिक ने 3, प्रिंगल ने 35 और वैन ब्रिक ने 3, डोरम ने 0। आयरलैंड की बात करें इनके तरफ से, हाँ इनके यहाँ से अगर नेदरलैंड की बॉलिंग को देखें, प्रिंगल ने 3 निकाला था, डोरम ने 2 और वैन ब्रिक ने 2। वैन यहाँ से वैन मैक्रीन ने 2 दोस्तों, वैन ब्रिक की क्या बात है, पॉल मैक्रीन ने 2 निकाला था, यहाँ से वैन ब्रिक विकेट लेस रहे थे। तो ये चीज़ें नोट करनी बली है दोस्तों। शेडल यहाँ से स्कॉट एडवर्ड्स, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके लिए प्राइम पिक में आएंगे दोस्तों। हर मैच से 30+ पॉइंट देखे जा रहे हैं और विकेट कीपर भी आपको विकेट कीपिंग से भी अच्छे खासे पॉइंट ये देने वाले हैं दोस्तों, मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ।
बैटिंग से दोस्तों एलिवेट है जो रेगुलरली कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं, आपको इनको रखना है। वुड को ट्राई कर सकते हो, मैक्स वुड लास्ट मैच ही नहीं खेले थे, इनके बदले दोस्तों खेला यहाँ से बरेसी खेले थे जिन्होंने जो फ्लॉप रहे थे, विक्रमजीत सिंह रहे थे जो कि फ्लॉप रहे थे, तो यहाँ से आप ट्राई कर सकते हो। बाकी ऑलराउंडर से बेजिलेडी, लोगन ब्रिक और टिम प्रिंगल। टिम प्रिंगल की बात कर लास्ट मैच में, हालांकि ये इन्होंने कुछ खास नहीं किया कर पाया दोस्तों। टिम प्रिंगल लास्ट मैच में, टिम प्रिंगल ने दोस्तों कुछ खास नहीं कर पाया ना बैटिंग से ना बॉलिंग से, तो बट इस मैच में इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस मैच में विकेट्स गिरेंगे। अगर टिम प्रिंगल की बैटिंग आई ना तो ये आपको ठीक ठाक बैटिंग करके भी दे सकते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। बॉलिंग से दोस्तों आपके पास किंग माए पॉल बेन क्रीन की बात करें दोस्तों, लास्ट मैच ये नहीं खेले थे बट ये वाला मैच ये खेलेंगे, इनके बदले दोस्तों यहाँ से के क्लेन खेले थे दोस्तों और इन्होंने भी एक विकेट निकाला हुआ था। तो यहाँ से आर्यन दत्त इंपॉर्टेंट इतने नहीं है दोस्तों क्योंकि इनको विकेट्स नहीं मिल रहे, तो यहाँ से तो आपको कुछ इस तरह से ये कुछ अच्छे खासे आठ प्लेयर्स देखने को मिलेंगे। अगर बेन विक्रीन खेलते हैं दोस्तों आपको इनको लेना है दोस्तों, अगर नहीं खेलते इनके बदले इनको ड्रॉप कर देना है दोस्तों। बाकी ये आठ प्लेयर्स इंपॉर्टेंट है नेदरलैंड्स की तरफ से, जहाँ पर मैंने एडवर्ड्स को रखा है, लिविट, बेस डिलीट, लोगन बेनब्रिक, टॉम प्रिंगल, पॉल बेन विक्रीन, वेन यहाँ से विवेन किंगमा और के क्लेन, कैल्विन क्लेन को हमने टीम में रखा है। तो यहाँ से दोस्तों अगर बात करें आयरलैंड की, आयरलैंड की तरफ से दोस्तों आपको यहाँ से कौन खेलता हुआ दिखेगा, आयरलैंड की तरफ से यहाँ से विकेट कीपिंग से लॉरेन टकर, एक अच्छे पिक जो आपके लिए कंसिस्टेंटली स्कोर करेंगे दोस्तों, इनको आपको टीम में ज़रूर रखना है। बैटिंग से एंडी बलबरीन है जो आपको कंसिस्टेंटली परफॉर्म करके देंगे। हैरी डेक्टर को आप ट्राई कर सकते हो, मैं शायद अभी के लिए अपनी टीम में ना करूँ। ये एक बैट्समैन विकेट कीपिंग यहाँ से एक एक हमने रखा। पॉल स्टर्लिंग जो टीम के कप्तान है दोस्तों, लास्ट मैच में इन्होंने अच्छी बैटिंग की, आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। एक हार्ड हिटिंग प्लेयर है दोस्तों, बट इतने भी कुछ हार्ड हिटर नहीं है कि आपको इनको टीम से ड्रॉप कर जाओ दोस्तों, ये अच्छे प्लेयर है दोस्तों, ट्राई कर सकते हो। ऑलराउंडर में मार्क एडायर है, आपको इनको रखना है। कोटिस कैम्फर है, स्कॉट अंडरब्रेड और फिर जॉर्ज डेनली को आप ट्राई कर सकते हो, यहाँ से गैरेट डेनली। ये तीन प्लेयर्स आपके लिए ऑलराउंडर से इंपॉर्टेंट है क्योंकि गैरेट डेनली की बात करिए बैटिंग और बॉलिंग दोनों से आपको पॉइंट देंगे, तो इंपॉर्टेंट आपके लिए बन सकते हैं। बाकी बॉलिंग सेक्शन की बात करेंगे, बॉलिंग सेक्शन से कौन इंपॉर्टेंट है, बॉलिंग से दोस्तों आपके पास यहाँ से किंग, यहाँ से क्रेग यंग है, बेन मैकार्थी है, फिन हैंड तो शायद नहीं खेलेंगे, अगर खेलते आपको इनको आग बंद करके ले लेना है, बैरन वाइट। तो ये कुछ प्लेयर्स है दोस्तों, यहाँ से मैं बैरन वाइट को ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मानता, तो ये सात प्लेयर्स यहाँ से इंपॉर्टेंट है। तो सात आठ आठ कितने प्लेयर्स हो गए, 15 प्लेयर्स, आपको लेने 11 प्लेयर्स। तो चलिए प्राइम टीम बनाते हैं। तो प्राइम टीम बनाने के लिए ना यहाँ से हमें क्या करना होगा, प्राइम टीम बनाने के लिए यहाँ पर हमको ना सबसे पहले तो 11 प्लेयर्स चूज़ करने पड़ेंगे जिनको हम ड्रॉप करके नहीं चल सकते। तो ऑलराउंडर से यहाँ से विलन बेगन ब्रिक, यहाँ से बेस्ट डिलेडी टिम प्रिंगल, बॉलिंग से विवेन किंगमा। तो हाँ, तो देखिए हमने टीम रेडी कर लिया दोस्तों, हमारी टीम का प्रीव्यू देख लीजिए। हम ज़्यादा एक्सपेरिमेंट टीम के साथ नहीं करना चाहते, इसका कारण ये है कि क्योंकि ईजी मैच है दोस्तों, तो आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट है। तो अच्छे यहाँ से आयरलैंड ये वाला मैच जीतने वाली है दोस्तों, आपको मैं अभी बता दे रहा हूँ, आयरलैंड जीतेगी दोस्तों ये वाला मैच। अगर नेदरलैंड कुछ अनएक्सपेक्टेड ना करे दोस्तों तो ये मैच इजीली वन साइडेड आयरलैंड जीत जाएगी। फिर यहाँ अगर ट्राई खेलते आपको इनको रखना है, यहाँ से पॉल वैन मैक्रीन अगर खेलते इनको आपको रखना है क्योंकि बड़े प्लेयर है और बड़े मैच में बड़े प्लेयर ही काम आते हैं दोस्तों। फिर अभी बात करेंगे अपनी टीम के कप्तान कौन होंगे, मेरे टीम के लोगन बेनब्रिक कप्तान होंगे, वाइस कप्तान मार्क एडायर होंगे दोस्तों, ये हमारे सी और वी सी होंगे। इसमें कुछ भी चेंज होता है वो आपको टेलीग्राम पर अपडेट किया जाएगा, बाकी टीम सेव कर लीजिए। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना, वीडियो लाइक नहीं किया लाइक भी ज़रूर कर दीजिए, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर जुड़ जाना दोस्तों। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद सभी को।